सो इस वीडियो में मैं मैच कार्ड प्रेडिक्शन करने वाला हूँ फॉर द क्लैश एट द कैसल 2022 और मैं आपको बताऊंगा इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कौन कौन से मैचेस हो सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मैच जो कि WWE की तरफ से ऑफिशियल है, ये होगा रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच। और ये मैच समर स्लैम में होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया और अब ये हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट्स तो ऐसे आ रही है कि हमें इस मैच में कुछ स्टिपुलेशन ऐड होती हुई दिखाई देगी। अगला मैच, ये मैच भी WWE की तरफ से एक कंफर्म्ड मैच है और ये होगा लिव मॉर्गन वर्सेस सेना बेजलर के बीच फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि WWE इस मैच में किसे विनर चुनती है। नेक्स्ट मैच जो कि मुझे लगता है हो सकता है, ये होगा बॉबी लेस्ली वर्सेस मिस के बीच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और इस मैच को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे नहीं लगता बॉबी लेस्ली के लिए अब कोई अपोनेंट बचा हुआ है रॉ पर, क्योंकि उन्होंने थ्योरी और तोमासा चेंपा का तो हरा ही दिया है, साथ ही साथ उन्होंने एजे स्टाइल्स को भी हरा दिया है। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि मिस एक ऐसे सुपरस्टार बचे हैं जो कि उन्हें फेस कर सकते हैं। अगला मैच भी WWE की तरफ से एक ऑफिशियल मैच है और ये होगा बेली डकोटा काई इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का के बीच एक सिक्स वुमेन टैग टीम मैच। नेक्स्ट मैच की बात करें तो ये होगा रे मिस्टीरियो एंड एज वर्सेस जजमेंट डे के बीच। और क्योंकि जजमेंट डे आए दिन मिस्टीरियो पर भारी पड़ रही है और एज को भी उनसे अपना हिसाब पूरा करना है, तो ऐसे में मुझे लगता है एज रे मिस्टीरियो का साथ देने वाले हैं और वो फेस करेंगे जजमेंट डे को। इसके बाद जो मैच मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है वो होगा गुंथर वर्सेस लुडविंग काइजर के बीच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और क्योंकि गुंथर ने नाकामुरा को क्लियर हरा दिया था स्मैकडाउन पर, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता उन्हें कोई अगला मौका मिलने वाला है। और हमें दिख रहा है कैसे गुंथर आए दिन लुडविंग काइजर को मारते रहते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है काइजर टर्न करने वाले हैं गुंथर के ऊपर और वो उन्हें फेस करेंगे क्लैश एट द कैसल में। हमारे लिस्ट पर सेकंड लास्ट नंबर पर जो मैच है वो होगा द उसोज वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। और मेरा इस मैच को रखने का यही मतलब है क्योंकि हम स्मैकडाउन पर देख ही रहे हैं कि उसोज और सैमी ज़ेन के बीच अच्छी नहीं बन रही है और ऐसे में रूमर्स भी आ रहे थे कि हमें सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस फिर से एक बार एक होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में मुझे यही लगता है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक साथ आने वाले हैं और वो फेस करेंगे द उसोज को फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। और ये एक ऐसी टीम है जो उसोज को डेथ थ्रोन भी कर सकते हैं। तो अब टाइम आ गया हमारे लास्ट मैच यानी हमारे मेन इवेंट का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट मैच और ये होगा रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच। और अभी तो ये एक सिंगल्स मैच है लेकिन बहुत जल्द शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच में बदलते हुए दिखेगा। और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मैच में एक ही चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली वो होगी WWE चैंपियनशिप। और आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में तो हमें पता लग ही जाएगा कि WWE के आगे की डायरेक्शन क्या होने वाली है। बाकी आज की ये प्रेडिक्शन वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस मैच के लिए हैं। तो मिलेंगे आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।